कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का कहना है कि यह बात समझ से परे है कि सीबीआई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजाजत के बिना ही विजय माल्या के खिलाफ लुकआउट नोटिस बदल दिया होगा। राहुल ने यह बात सीबीआई के 2015 में जारी हुए दो सर्कुलर के संदर्भ में कही। पहले सर्कुलर में कहा गया था कि माल्या को एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया जाए। बाद में सर्कुलर को बदलकर कहा गया कि माल्या के नजर आने पर एजेंसी को सूचित किया जाए। बैंकों का 9000 करोड़ रुपए का कर्जदार माल्या 2 मार्च 2016 से लंदन में है। राहुल ने ट्वीट किया, सीबीआई सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करती है। यह समझ से परे है कि इस हाई प्रोफाइल और विवादित मामले में सीबीआई ने लुकआउट नोटिस बिना प्रधानमंत्री की इजाजत के बदल कैसे दिया। कांग्रेस अध्यक्ष ने गुरुवार को अरुण जेटली पर झूठ बोलने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री ने लंदन भागने में विजय माल्या की मदद की। जब उन्हें इस बात की जानकारी थी तो ईडी और सीबीआई को क्यों नहीं बताया। वहीं कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने दावा किया था कि उन्होंने 1 मार्च 2016 को संसद भवन में जेटली और माल्या को करीब 15 से 20 मिनट बात करते हुए देखा था। इसके बाद भाजपा ने कहा, कभी कभी लगता है कि किंगफिशर एयरलाइंस माल्या की बजाय राहुल गांधी की थी। गांधी परिवार इसमें मुफ्त सफर करता था।